नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरीज। वीडियो में आप देखेंगे चार अलग तरह की गोटापत्ती की फ्लावर की डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग ये गोटापत्ती की जो लीव्स हैं इनको ग्लू की हेल्प से अटैच करेंगे। इस तरह से आपको कोई डिज़ाइन यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको बहुत कर सकते हैं। देखिए, ग्लू से अगर आप फैब्रिक पर चिपकाते हैं या फिर इन लिप्स के ऊपर लगा कर चिपकाते हैं, कैसे भी जो आपको कंफर्टेबल हो। इस तरह से ये हम लोग पांच लिप्स इस तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद में ये जो आप लिप अभी इसको ग्लू से चिपकाते हैं तो देखिए कि इक्वल गैप में रहे और सब सही शेप में रहे। इस तरह से ये हो जाने के बाद में, जैसे ये देखिए दो लीव है, उसके बीच में आपको वापस ये गोटापत्ती की लीव को चिपकाना है। इस तरह से सब और ऐसे ही लगाना है। ये इस तरह से ये मैं इसको चिपका चुकी हूँ। तो देखिए इस तरह से ये फ्लावर की डिज़ाइन जैसे बन जाता है। बस आपको सही गैप रखना ज़रूरी है, यहाँ पर जो स्टिच आएगी उसके लिए गैप रखना ज़रूरी है। तो इसके बाद देखिए एक और डिज़ाइन के लिए, देखिए हम लोग यहीं पर ये गोटापत्ती की लीफ को इस तरह से चिपकाते हैं और ये एग्जैक्ट थोड़ा पास पास में रखिए। बस जो स्टिच आएगी उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी है, बाकी एकदम पास पास में। और कभी आपको ये जैसे ऐसे ही बिना डिज़ाइन ड्रॉ किए आप ये चिपकाते हैं और आपको डाउट रहता है, तो आप चेक कीजिए इस फ्लावर को, हर ओर से घुमाकर देखिए जो शेप है वो एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं, आपको मालूम चल जाएगा ये सही है। अभी ये देखिए तीसरी, ये छोटी सी सिंपल सी डिज़ाइन है पर ये भी अच्छी लगती है। इस तरह से हम लोग इसको भी चिपकाते हैं। उसके बाद है फोर्थ, सब में हम ये गोटापत्ती की लीफ ही यूज़ कर रहे हैं। और आप ये जो फ्लावर्स की डिज़ाइन है आप जैसे ऐसे पूरा ब्लाउज़ भर सकते हैं तो बहुत अच्छा लुक देगा। और या फिर स्लीव्स में जैसे कोई बूटी वगैरह लगाते हैं वैसे ही आप कुछ एक डिज़ाइन डालिए फ्लावर्स की, तो वो बहुत अच्छा लुक देगी। या साड़ी में यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी। अभी देखिए ये इस तरह से ही फोर्थ डिज़ाइन। इस पहली डिज़ाइन में हमें चेन की स्टिच करनी है जो ये लीफ है उनके चारों ओर। और ये जो पहला फ्लावर, जो इस बीच का फ्लावर है जो पांच लीफ का फ्लावर जैसा बनता है, उन पे कंटिन्यूस चेन आ जाएगी ये चेन की स्टिच। और जो ऊपर की चेन की स्टिच है वहाँ पर हमें अलग अलग लेना होगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप ये सोचेंगे कि ये जो कंटिन्यू करने के कारण जो छोटा हिस्सा दिखता है चेन का, नहीं, वो हम लोग सेंटर में कुछ और करेंगे इसलिए वो उससे कवर हो जाएगा। और जैसे देखिए ये लीफ पर हम जो ऊपर आए हैं तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा कर इसको थोड़ा तीखापन दीजिए, यानी सही शेप दीजिए, तो ये जो लीफ का त्रिकोण का पन है वो अच्छे से उसका गेटअप आएगा। चेन स्टिच की ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें वीडियो अपलोडेड है। ये देखिए अभी जो फाइव लीव्स है सेंटर की उन पर चेन की स्टिच हो चुकी है और ये एक ही कंटिन्यूस चेन से सारी स्टिच हो गई है। और यहाँ पर आकर हम इसको लॉक कर देंगे स्टिच को। और इसके बाद में जो ऊपर की जो फाइव लिप्स हैं उन पर भी हमें ये चेन की स्टिच देना है। और आपको यहाँ पर सब लीफ पर अलग अलग चेन की स्टिच देना होगा, यानी कि एक लीफ पर स्टिच देने के बाद में इसको लॉक करना है, फिर दूसरी ओर जाना है, ऐसे करना होगा। तो यहाँ पर आकर हम इसको लॉक कर देंगे
अभी इसको लॉक कर देते हैं। देखिए सारी चेन की स्टिच हो चुकी है। अभी हम लोग ये धागे को इस सुई में डालकर यहाँ पर जो सेंटर का हिस्सा है वो जो खाली है सारा इसको फ्रेंच नोट से भर देना है। इस तरह से देखिए हम लोग ये सारा जो सेंटर का हिस्सा है उसको फ्रेंच नोट से भर देते हैं। फ्रेंच नोट का बेसिक ट्यूटोरियल अपलोडेड है, अगर आप नहीं जानते हैं तो। गांठ का सिंदा बोलते हैं जिसको, तो इसको इस तरह से सारा भरना है यहाँ पर। अभी देखिए इसको मैं सारा फ्रेंच नोट से भर चुकी हूँ। आप इसको रॉन्ग साइड में जाकर इसको लॉक कर दीजिए और ये बहुत सुंदर लगता है ये आने के बाद में। इसके बाद में हम दूसरे फ्लावर पर जाएंगे और वहाँ पर भी चेन की स्टिच देना है। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से सारी चेन की स्टिच देनी है जो लीफ है वहाँ, और इसीलिए आपको सही गैप से चिपकाना ज़रूरी है। जितनी चेन की स्टिच आएगी उतना तो गैप रहे ही रहे, इसलिए ध्यान रखिए। सारी चेन की स्टिच हो चुकी है। अभी यहाँ पर हम एक स्टोन यहाँ ग्लू से चिपका देते हैं इसके सेंटर में। इसके बाद में यहाँ पर हमें मोती की स्टिच देनी है। यहाँ पर इसके चारों ओर मोती को अटैच करना है, वो चेन की स्टिच से ही अटैच करते हैं और इसका ट्यूटोरियल मैं दे चुकी हूँ। इसके चारों ओर देखिए इस तरह से यहाँ पर जैसे एक पत्ती का ये इस तरह से जहाँ भाग खुला है उतना ही ये सारी मोती की चेन देनी है हमें। देखिए मोती की चेन लगभग हो चुकी है और एंड में आकर अब एक छोटी सी चेन दे दीजिए पास में और उसके बाद में इसको लॉक दे दीजिए। इस तरह से ये मोती लेने के बाद इस तरह से रहेगा। अभी यहाँ पर हम लोग देखिए ये जो डालिया है या लूप्स है इनको यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे कि थोड़ी सी चेन लेंगे, उसके बाद में एक डालिया, फिर वापस चेन, फिर वापस डालिया, एक सिंगल डालिया या लूप्स जो बोलते हैं इसको, इस पत्ती के चारों ओर लेना है। और जैसे आरी में डालते हैं तो एक एक करके ही आपको इसको उतारना है। अगर ये एक एक नहीं एक साथ निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आरी में मत डालिए इसको, आप सिंगल सिंगल डाल लेकर भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और यही आपको कंटिन्यू करना है सारी तीनों लेयर्स पर। हम यहाँ पर एक सिंगल लेयर ले रहे हैं इस चेन की, आप इसकी डबल ले सकते हैं या ट्रिपल ले सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगेगा। इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है सारा। ये एंडिंग तक पहुंच गए हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉक देना है इसके अंदर। और आप चाहें तो एक लेयर लीजिए इसकी, दो लेयर ले सकते हैं इस स्टिच की, जो भी आपकी क्रिएटिविटी से आप लेना चाहें वैसे। उसके बाद में हम लोग जाएंगे हमारे लास्ट फ्लावर की ओर। इस फ्लावर में देखिए हम लोग जरदोजी यूज़ करेंगे और ये जरदोजी इतनी आपको कट करनी है जितनी एक लीफ में आती है। उसके बाद में ये जैसे सुई और धागे में हमने इसको पिरोया है तो ये सुई में इस तरह से आपको पिरो देना है। और ये इसकी शुरुआत में हमने धागे को निकाला था और उसके वापस एंडिंग में इसको निकाल देते हैं और
इस तरह से आपको इसको अटैच कर देना है सुई और धागे से। ये नॉर्मल धागा है, सेम कलर का लीजिए जैसे आपकी जरदोजी है वैसे, और इस तरह से इसको हम अटैच कर देंगे यहाँ। ये सारी लिफ में इसी तरह से करना है। ये इस तरह से इसको सही शेप देकर इस तरह से ये तीन जगहों पर इनको जब टाई करते हैं सुई और धागे से तो ये अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर ये है हमारा फाइनल, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। इसके सेंटर में हम लोग ये डालिया ये लूप इस तरह से लगाएंगे, उसके बाद में ये जो मोती है उसको इस तरह से स्टिच देना है। इसके बाद यहाँ पर जो सेंटर में है उतनी ही साइज़ की जरदोजी को अटैच करना है, और ये जो जरदोजी है ये कितने भी साइज़ की आप कट करना चाहें उतना कट कर सकते हैं। यहाँ जो ये वाला जो फ्लावर है उसके बीच में हम लोग ये स्टोन चिपकाते हैं। अब ये जी देखिए जो पहला फ्लावर था वहाँ पर हमें ये रेड कलर की नॉर्मल जो धागा है उसको इस तरह से स्टिच देंगे। ये सारी लीफ पर इसी तरह से आएगा। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि जो गैप है वो इक्वल गैप रहे। इस तरह से स्ट्रेट यहाँ पर अटैच करेंगे, सारी पत्तियों पे सेम प्रोसेस करना है। इससे इसकी लुकिंग अच्छी हो जाती है। इस तरह से ये फ्लावर बन के रेडी है, और ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये जो फोर्थ है वहाँ पर हमने ये धागे को इस तरह से स्टिच किया है। ये देखिए इस तरह, इसके सेंटर में सिर्फ एक लाइन है बस। ये हो चुके हैं चारों फ्लावर इस तरह से। इस तरह से ये चारों फ्लावर रेडी है, और ये बहुत अच्छा लुक देते हैं। ये देखिए ये है गोटा पति यहाँ पर फ्रेंच नोट के साथ में, बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद में है ये मोती के साथ में, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ये रहेगा लूप्स और डालिया के साथ में, और जो फोर्थ है वो रहेगा जरदोजी के साथ में। आपको इन चारों में से कौन सा पसंद आया ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।